हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? एक्ने काफी कॉमन नाम है, लेकिन काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे इसे छुटकारा पाना काफी आसान होता है, लेकिन हम कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक करते ही रहते हैं जिससे हमें एक्ने से छुटकारा नहीं मिलता है। और एक्ने से रिलेटेड ही मुझे कई सारे क्वेश्चन भी रिसीव होते हैं कि हम एक्ने से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं और एक्ने को कैसे ठीक करें। हालांकि एक्ने से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, साथ ही साथ मैंने उनके पीछे का रीजन भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि प्लीज आप चेक करिए कि आपको किस वजह से एक्ने हो रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको रीजन का नहीं पता चलेगा, तब तक आप उसे क्योर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको भी एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं काफी सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि एक्ने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सभी बातें, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी। पॉइंट नंबर वन, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग, या मैं ये कहूं कि 90% लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसलिए अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो पूरा जरूर देखें। पॉइंट नंबर टू, मैं वीडियोज में काफी सारे ऑप्शन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप एक्ने को कैसे ठीक, तो उसमें से जो भी पॉइंट आपको सही लगे आप उसे फॉलो कर सकती हैं अपने एक्ने को ठीक करने के लिए। पॉइंट नंबर थ्री, आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने कई बार शेयर किया है कि मेरी स्किन भी पिंपल और एक्ने प्रोन है और मैंने कैसे अपने एक्ने से छुटकारा पाया है। मैं वही सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। रीजन मैं सबसे पहले शेयर करना चाहूंगी कि एक्ने के पीछे रीजन क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फेस को अच्छे से क्लीन ना करना। जब आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और उसकी वजह से ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। यही रीजन है कि मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि डबल क्लींजिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो डीप क्लीन होनी चाहिए। जब एक बार आप अपनी स्किन को डीप क्लीन करना स्टार्ट कर देंगी तो यकीन मानिए कि चाहे वो ब्लैक हेड हो, व्हाइट हेड हो, या फिर पिंपल की प्रॉब्लम हो, या एक्ने की प्रॉब्लम हो, वो 99% तक दूर हो जाती है। इसलिए प्लीज डबल क्लींजिंग अभी तक अगर आप नहीं कर रहे थे तो आज से ही स्टार्ट करिए। डबल क्लींजिंग आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर टू, अपनी स्किन का केयर अच्छे से करना। मतलब मैंने कई बार शेयर किया है कि जितना हो सके, जितना जरूरी हो उतने ही प्रोडक्ट आप यूज करिए और प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज करिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज करती हैं और गलत तरीके से यूज करती हैं तो वो आपकी स्किन में डिफरेंट डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम का रीजन बन सकते हैं। नंबर थ्री, डेयरी प्रोडक्ट जितना हो सके उतना कम कंज्यूम करें, जैसे कि मिल्क है, कर्ड है, या पनीर है, जो भी है, घी, इन सब को जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। एक बार, सिर्फ एक बार आप इन चीजों को कट डाउन करके देख लीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो वीक के लिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्ने जो है वो डेयरी प्रोडक्ट की वजह से तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि बीच में जब मुझे बहुत एक्ने हो रहे थे, मतलब 7-8 महीने पहले की मैं बात बता रही हूँ, तो मैंने डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दी थी, मतलब बंद कर दिए थे। मैं मिल्क किसी भी तरह से कंज्यूम नहीं कर रही थी और मैंने देखा है कि मेरे एक्ने, मतलब बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस मैंने अपनी स्किन में नोटिस किया है। इसलिए जितना हो सके डेयरी प्रोडक्ट को कम कर दीजिए। पॉइंट नंबर फोर, मीठा कम कर दीजिए। हाँ, आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन मीठे की वजह से या शुगर जितना ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा आपको स्किन की प्रॉब्लम होती है और एक्ने उनमें से एक है। क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें एक्ने किस वजह से हो रहे हैं, तो मैं ये कुछ रीजन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कि शायद आपको एक्ने इन वजह से हो सकते हैं। पॉइंट नंबर फाइव, जेनेटिक। बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा को एक्ने होते हैं, तो आपको भी एक्ने होना कंपलसरी होता है।
तो इस बात का ध्यान भी जरूर रखें। अगर आपके मम्मी या आपके पापा को एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम होती है तो आपको भी एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कई सारे और भी रीजन है, जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना या बहुत ज्यादा नींद का पूरा ना करना, ये सब रीजन भी होते हैं एक्ने के पीछे। इसलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके एक्ने के पीछे क्या रीजन है, मतलब कि आप अपनी स्किन क्लीनिंग अच्छे से नहीं करती हैं, जेनेटिक है या डेयरी की वजह से या फिर स्वीट की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से, किस वजह से आपको एक्ने हो रहा है। जब एक बार आप ये पता कर लेंगी तो क्योर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले पता करिए कि रीजन क्या है पीछे। तो चलिए, रीजन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, अब बारी आती है कि एक्ने को आपको ठीक कैसे करना है। तो उसके लिए मैं कुछ रेमेडीज, होम रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहली होम रेमेडी है सिनेमन और हनी की, मतलब दालचीनी, उसे पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और हनी, शहद। लेकिन दालचीनी या सिनेमन पाउडर यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें कि वो आपकी स्किन के लिए सेफ है या नहीं। मैं उसे इसलिए नहीं शेयर कर रही हूं क्योंकि वो मेरी स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। जब भी मैं सिनेमन पाउडर यूज करती हूं तो मुझे बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, मतलब इतनी होती है कि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती हूं। यही रीजन है कि मैं नहीं यूज कर रही हूं इस वीडियो में। अब बारी आती है हनी की। हनी तो मतलब शहद आप ऐसे भी यूज कर सकती हैं, लेकिन अगर आप ऐसे सिर्फ शहद यूज करेंगी तो शायद उतना बेनिफिशियल ना हो, बट अगर आप सिनेमन के साथ मिक्स करके यूज करती हैं तो वो आपके एक्ने और पिंपल के बैक्टीरिया को किल करता है और एक्ने से काफी जल्दी आपको रिलीफ मिल जाता है। सेकेंड मेथड जो कि है टी ट्री ऑयल। अब जहां बात आती है टी ट्री ऑयल की, तो अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको पता ही होगा कि टी ट्री ऑयल के बारे में मैंने अपने हर दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर आपको एक्ने से छुटकारा चाहिए तो आपको टी ट्री ऑयल जरूर यूज करना चाहिए। उसमें सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन मैंने एल्प गुडनेस का दिया था, जिसका प्राइस आई गेस 135 रुपीज है। आई गेस आपको इससे कम प्राइस में भी इजीली मिल जाएगा और 10 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। तो फिलहाल मैंने सबसे ज्यादा एल्प गुडनेस का ही टी ट्री ऑयल यूज किया था, इसलिए मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया था। यूज करने के अगर मैं तरीके की बात करूं तो आप उसे अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके यूज कर सकती हैं, अपने टोनर में मिक्स करके यूज कर सकती हैं, डायरेक्ट आप स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज कर सकती हैं, फेस पैक में मिक्स करके यूज कर सकती हैं या फिर फेस वॉश में मिक्स करके यूज कर सकती हैं। यूज करने का जो तरीका है वो काफी वाइड है, बहुत बड़ा है। जैसे भी आप उसे यूज करना चाहें आप यूज कर सकती हैं, लेकिन पैच टेस्ट करके उसके बाद ही उसे यूज करें। थर्ड जो मेथड है वो है ग्रीन टी का। ग्रीन टी के बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम सभी के घर में कोई ना कोई ग्रीन टी जरूर पीता है। अगर कोई नहीं पीता है तो आप ही पीना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रीन टी को पहले आप कप में डालिए गर्म पानी में। जब ग्रीन टी आप यूज कर लें, मतलब आप पी लें, तो उसके बाद उस ग्रीन टी को आपको फ्रिज में रख देना है जिससे कि वो चिल्ड हो जाए, और उसके बाद उसे आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। चाहे तो आप स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह भी यूज कर सकती हैं या चाहे तो आप उसे फुल फेस पे यूज कर सकती हैं, जैसे आपको यूज करना हो। या आप चाहें तो ग्रीन टी को मतलब पैकेट कट करके बाहर निकालिए और उसे आप एलोवेरा जेल में मिक्स करके यूज कर सकती हैं या अपने फेस पैक में मिक्स कर सकती हैं। तो इसे भी यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, जैसे भी आप यूज करना चाहें। और चौथा सबसे आसान तरीका है एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल दो तरह के होते हैं, मतलब एक जो आपको पैकेट में मिलते हैं कुछ इस तरह से, और दूसरा तरीका होता है जो कि प्लांट बेस्ड होता है। तो अगर आपने अपने घर पे प्लांट लगा रखा है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मैंने लगा रखा है मेरे घर पे एलोवेरा जेल का प्लांट। तो आप उसकी ज्यादा नहीं, छोटी सी एक पत्ती, मतलब एक पार्ट कट करिए, एक पीस, और उसे अपने फेस पे रब करिए। आप चाहें तो उसमें हल्का सा टर्मरिक पाउडर मिक्स कर सकती हैं या इग्नोर कर सकती हैं, जैसे आप उसे यूज करना चाहें। वैसे मैं सिर्फ ऐसे भी यूज करती हूं और टर्मरिक पाउडर मिक्स करके भी यूज करती हूं, क्योंकि टर्मरिक में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, साथ ही साथ वो उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो आपकी स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। या फिर आप इस तरह के एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, अगर आप इस तरह के मार्केट वाले एलोवेरा जेल यूज करने जा रही हैं तो वो प्योर होना चाहिए, उसमें कुछ भी मिक्स ना हो। जैसे कि आजकल एलोवेरा जेल में विटामिन सी, विटामिन ई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाल के मार्केट
मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ट्राई यही करें कि जो प्योर एलोवेरा जेल हैं आप उन्हें ही यूज करिए। वैसे इसे तो मैं एज अ मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, लेकिन एज अ फेस पैक मैं रूप मंत्रा के इस एलोवेरा जेल को आजकल बहुत इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैं पतंजलि के एलोवेरा जेल यूज कर रही थी वो फाइनली फिनिश हो चुके हैं, और अभी ऐसे बाहर जाना शॉपिंग करना थोड़ा सा सेफ नहीं है, इसलिए मैं जो हैं उन्हीं से काम चला रही हूँ। तो मैंने प्लांट वाला भी यूज किया है, मैंने पैकेट वाला भी यूज किया है, फिलहाल मेरे लिए तो दोनों ही बेनिफिशियल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि एक्ने के पीछे रीजन क्या है, इसलिए प्लीज अगर आप एक्ने से परेशान हो चुकी हैं तो एक बार सिर्फ पीछे मुड़ के देखिए कि आपके एक्ने के पीछे रीजन क्या है। जब तक आप रीजन नहीं पता करती हैं तब तक आप एक्ने को ठीक नहीं कर सकती हैं, और एक्ने मुझसे ज्यादा किसी ने झेले नहीं होंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा मैंने ही झेले हैं, लेकिन मुझे एक्ने जो होते थे ना वो एक जगह हो तो फिर दूसरी जगह अपने आप ही हो जाते थे, चाहे मैं उन्हें टच करूं या ना करूं। लेकिन मैंने सबसे पहले ये चेक किया कि मुझे एक्ने किस वजह से हो रहे थे। जेनेटिक बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना तो मेरी मम्मी को एक्ने की प्रॉब्लम है और ना ही मेरे पापा को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं शायद स्ट्रेस, तो मैंने उसमें भी कट डाउन किया है, और शुगर मैंने उसमें भी कट डाउन किया है, और डेयरी प्रोडक्ट एक टाइम पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, यहां तक कि मैं ब्लैक टी पीती थी, जबकि मुझे ब्लैक टी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मैं ब्लैक टी पीती थी सिर्फ और सिर्फ एक्ने को ठीक करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ ये पॉइंट शेयर किया था कि मैंने एक्ने को कैसे ठीक किया है, सिर्फ और सिर्फ वही डेयरी प्रोडक्ट और स्वीट को छोड़ दिया था मैंने, बस मेरे एक्ने गायब हो गए, और मतलब मैं काफी खुश हुई है बताते हुए कि तब से लेके आज तक मुझे एक भी एक्ने नहीं हुआ है। हाँ, मैंने डबल क्लींजिंग भी स्टार्ट की, मैंने अपना स्किन केयर प्रॉपर किया। स्किन केयर का मतलब होता है कि आप अपनी स्किन के लिए सिर्फ दो स्टेप अच्छे से फॉलो करें, एक उसे अच्छे से क्लीन करें और दूसरा उसे अच्छे से मॉइस्चराइज करें, बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आई नो ये वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन मुझे ये पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने थे, इसलिए प्लीज नेक्स्ट टाइम आप किसी से भी जब ये पूछे कि आपके एक्ने बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चाहे आप कोई होम रेमेडी ट्राई करें या फिर आप मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट ट्राई कर लीजिए, जब तक आप अपने एक्ने को अंदर से हील नहीं करेंगी, बाहर से आप कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए, उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ आपको दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको ये पता करना है कि आपके एक्ने किस रीजन से हो रहे हैं। जब आप ये पता कर लेंगी उसके बाद आपको वो रीजन बंद कर देना है, या फिर आप कोई भी होम रेमेडी ट्राई कर सकती हैं, एंड ट्रस्ट मी आपके एक्ने गायब हो जाएंगे। और ये मैं कोई ऐसे ही नहीं शेयर कर रही हूँ, ये तरीके मैंने खुद फॉलो किए हैं और मैंने मेरे एक्ने को ठीक किया है, तभी मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शेयर करने को तो मैं मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि आप ये क्रीम यूज कर लीजिए, ये फेस वॉश यूज करिए या ये सीरम यूज करिए, लेकिन जब तक आप अंदर से खुद को हील नहीं करेंगी, बाहर से किसी भी चीज का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल मुझे यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप में से कितने लोगों ने अपने एक्ने के पीछे के रीजन को पता किया शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे पता करना है कि आपके एक्ने के पीछे क्या रीजन है। स्ट्रेस, स्वीट, डेयरी प्रोडक्ट, या फिर जेनेटिक है, या आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन नहीं करती, शेयर जरूर करना है, मतलब जरूर से जरूर। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।